मौसम की ताजा सूरत हाल। हर दफा तुसी अन्ने हसीनते नहीं लग सकते ना। मुल्तान की बारिश लाहौर की बारिश जैसी नहीं है। मेरे वॉलेट में से आज सिर्फ 100 रुपया निकला जिसे मैंने खाना खा लिया दोपहर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, भाइयों और बहनों, आज के मौसम की ताज़ा सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आसमान के ऊपर बादल जो है वो छाए हुए हैं और इट इज़ लुकिंग लाइक इट्स जस्ट अबाउट टू रेन। बट वी आर इन मुल्तान जहाँ पे बादल तो आते हैं, गरजते भी हैं, बरसते नहीं हैं। सो मौसम की जो कास्ट है, फोरकास्ट है, वो ये बताती है, वेदर फोरकास्ट वो ये बताती है कि रेन होने वाली है, पर पता नहीं रेन होती है नहीं होती है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। और आज डेट है जनाब 18 जनवरी और मैं बहुत ही भैड़ी लग रही हूँ। कोई गल नहीं, कभी कभी इंसान को भैड़ भी लग लेना चाहिए। हर दफ़ा तुसी इन्ने हसीनते नहीं लग सकते ना। सो इट्स ओके, कोई गल नहीं। सो मैं आपको जस्ट बादल जो है वो दिखा रही हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि 18 जनवरी को बारिश जो है वो लगी थी या नहीं लगी थी। आज है 20 जनवरी और आपको सिर्फ इतना बताना था कि आज मुल्तान में बारिश हो रही है। एज यू कैन सी रोड सारे गीले हैं। लेट मी शो यू। मुल्तान की बारिश लाहौर की बारिश जैसी नहीं है। लाइक वहाँ पे तो बारिश शुरू होती थी तो रुकने का नाम नहीं लेती थी, भले सारे एरियाज में ना हो, एक एरिया में हो तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वहाँ पे पानी पानी भर जाया करता था। यहाँ पे उस हिसाब से बारिश नहीं होती है। लाइक रात को शायद हल्की हल्की बूंदाबांदी, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है पर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। शायद आपको मेरे ग्लासेस पे गिरी हुई दिख रही होगी, तो बस इतनी इतनी सी ही है, आते आते तो ये भी ड्राई हो गया है। सो बारिश का बस इतना सही आलम होता है। यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश नहीं होती, मतलब होती ही नहीं है, तेज़ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की बारिश देखने वाली है ऐसे। कोशिश करूँगी इस बार अगर मैं भी बरसात में यहाँ की बारिश देख पाई तो। राइट, आप भी मेरे साथ वेट करिए, मैं भी आपके साथ वेट करती हूँ। वक्त हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे आगे पीछे कहीं पे भी कोई भी रश वश नज़र नहीं आ रहा होगा, दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं एक तो छुट्टी कर गए हैं, दूसरा ये कि हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स भी चले गए होंगे अपने अपने घरों को जब आएंगे संडे की शाम को। सो महीने का अंदर ना तो थोड़ा थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ मैं। लाइक मेरे वॉलेट में से आज सिर्फ 100 रुपया निकला जिसे मैंने खाना खा लिया दोपहर में। अब पे तो आई नहीं है और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब पैसे ही नहीं बचे मेरे पास कुछ भी। तो अभी कल और परसों मैं क्या करूँगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे आगे मैंने आपको पहले बोला था ना कि मेरे पास जितने भी सेविंग होती नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, सब ख़त्म हो जाता है। तो सब्जियाँ नहीं पड़ी हुई, एक अंडा पड़ा हुआ है अभी क्योंकि मैंने नहाना है, ठंड भी है तो वो शायद मैं उबाल के तो खा लूँगी रात में, और आई थिंक रात का मेरा गुजारा हो जाएगा। वरना मैं सोच रही थी कि
पराठे बना लूँ क्योंकि आटा पड़ा हुआ है मेरे पास और दालें जो मैं लेकर के आई थी वो पड़ी हुई हैं। सो और राइस है लेकिन वो सिर्फ एक टाइम ही बन सकते हैं क्योंकि राइस जो है वो मैं घर से लेकर के आई थी और इस बात को 5 महीने हो गए हैं। हाफ डब्बा था राइस का, वो अब जाके जो है वो फिनिश हुआ है और सिर्फ एक टाइम के पड़े हुए हैं राइस, तो मैं बना सकती हूँ बट आज नहीं बनाऊँगी, राइस फिर कभी बना लूँगी। तो कल शायद मैं दाल और पराठा वगैरह रात को बना लूँ, पर कल दोपहर में क्या खाऊँगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी, 60 रुपये पड़े हैं पर 60 रुपये में क्या आएगा मैं वही सोच रही हूँ। हाँ, एक आलू का पराठा आ सकता है 50 रुपये का, तो हो सकता है कल मैं एक आलू का पराठा मंगा के खा लूँ दोपहर में और रात को फिर वही जो दाल पड़ी हुई है और आटा पड़ा हुआ है, दाल रोटी कल वो कर लेंगे। सो वेट, मेरा ना हाथ दुख गया। सो अभी के लिए जो है वो मुझे नहीं पता अभी सैलरी आने में जो है वो 2 दिन पड़े हुए हैं, पता नहीं 31st को आएगी या 1st को आएगी, मालूम नहीं मुझे। तो जब सैलरी आएगी तभी, सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ मेरे पास, 1 हफ्ता हो गया सब्जियां ख़त्म हुई हुई हैं, आलू वगैरह भी नहीं है, प्याज नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास इस वक्त, मैं बिल्कुल खाली हूँ। और आज मैं वही सोच रही थी कि आखिरी 100 रुपया था वो भी ख़त्म हो गया, आज खाना खा लिया दोपहर में, तो क्या करूँगी मैं 2 दिन। खैर देखते हैं क्या करती हूँ मैं, अगर कल के लिए निकला था तो परसों के लिए फिर मैं थोड़ी रोटी ज़्यादा बना लूँगी, दाल थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी ताकि नेक्स्ट डे फिर मैं दोपहर में भी वही खा सकूँ, फिर तब तक तो शायद सैलरी आ ही जाएगी तो फिर कुछ कर लेंगे। और लाहौर में अपनी मौजें हुआ करती थी भाई, मैं एवरी मंथ खुद को एक ट्रीट दिया करती थी, लाइक बर्गर्स वगैरह मंगा के खा लिया करती थी, घर वालों को ट्रीट दे दिया करती थी, लाइक उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ चटर पटर जो है वो मैं लेकर के जाया करती थी, ये जानने के बावजूद कि पता नहीं वो लोग खाएँ या ना खाएँ, बट कर लिया करती थी भाई। और कल मुझे ऑफ़र भी हुई कि तुम्हारी बरकत ख़त्म हो गई है तुम वापस आ जाओ। जब तक लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सकता मैं वापस कैसे आ सकती हूँ भाई, जिस वजह से मैं यहाँ पर आई थी वो रीज़न ही आप लोग भूल गए हो, आप लोग के लिए हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी हुई है, मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल नहीं है। सो बी विद योर लाइफ, यू आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी हैप्पी। सो अभी होश जा रही हूँ मैं और मौसम पता नहीं क्या हुआ आज, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा बादल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सारे आए हुए हैं, शायद बारिश हो जाए। ओह नो, बारिश ना हो, मैंने कपड़े धोने हैं चलो आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ कल मैंने क्या खाना पीना है, क्या करती हूँ, चलो अल्लाह हाफिज़।